कहते हैं किसी भी चीज़ को अगर हमें बहुत ही शिद्दत के साथ आगे लेके जाने तो पूरी फैमिली एक साथ जुट हो जाए तो ही उस चीज़ को हम पॉजिटिवली और बहुत ही अच्छे से और आराम से आगे लेके जा सकते हैं। जीतों में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे दो ऐसे पावर कपल हैं जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे, जिनका होल सोल योगदान रहा है। किसी ने कहीं कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो किसी ने कहीं कॉन्ट्रीब्यूट किया। जी हाँ, मैं आपको उनसे मुलाकात भी उनकी करवाऊँगी। सबसे पहले मैं नाम आपको बताना चाहूँगी, सुरभि जैन जी हैं और पुनीत जैन जी हैं। तो स्वागत है मैम सर आपका। सुरभि जैन जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ कि जो ये इवेंट होने जा रहा है उसके फैशन डिज़ाइनिंग का जो भी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी है, ऑर्गेनाइजिंग एज अ चेयरपर्सन एंड प्लस उनकी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि लेडीज़ विंग की चेयरमैन भी हैं। एंड वहीं पुनीत जी की बात करें तो न्यू दिल्ली चैप्टर के मेंबर भी हैं। एंड क्रिकेट टीम की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल नाइट क्रिकेट टीम इन्हीं की है। तो है ना, एक फैमिली के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और सबसे बड़ी बात वो स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। ये मैं दिखाना चाहूँगी, इलास्टिक्स के द्वारा इनके द्वारा स्पॉन्सर भी किया जा रहा है। तो आइए इनसे बात करते हैं, बहुत कुछ होगा इनसे जानने के लिए। सर मैम कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, तो यानी पूरी फैमिली एक साथ आई है और होल सोल तरीके से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है, चाहे वो फाइनेंशली हो, सबसे बड़ा योगदान। तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो यहाँ पर चार दिन का इवेंट स्टार्ट हुआ है, अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है और इसके लिए हमने पूरा जीतो फैमिली ने करीब 2 महीने से इसकी वर्किंग और इसकी सारी पूरी वर्किंग टीम लगी हुई है और मोर देन 100 पीपल आर रेगुलरली वर्किंग ऑन इट। उसके बाद जब ये इवेंट शुरू हुआ, हम पुणे भी गए, वहाँ भी देखा हमने, तो यहाँ के इवेंट को पूरा ग्लैमरस करने के लिए प्लस इसमें शो नाइट डालने के लिए डे एंड नाइट मेहनत की गई। और सुरभि जो शी इज़ माई वाइफ एंड इन्होंने पूरा फैशन शो का टेक ओवर अपने अंडर में लिया। हम लोगों ने क्रिकेट टीम का और जो एथलेटिक्स गेम्स हैं जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर होने हैं उसका सब टेक ओवर किया और आज हम इस स्टेज पे हैं कि इसको बहुत बड़ा इवेंट बनाने की पोजीशन में हैं। होपफुली आज से ये इवेंट स्टार्ट है और हम इसको काफ़ी अच्छी हाइट्स पे ले जाएंगे। सेकेंडली, इसमें जो भी बच्चे खेलेंगे उसको हम होप करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में वो आगे बढ़ेंगे, जैसे IPL में खेलते हैं इसी तरह इसका नाम JPL है, वो उसमें आगे बढ़ के और देश का नाम रोशन करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी यही सपना है कि आगे हमारे देश के बच्चे वर्ल्ड वाइड जाएँ, चैम्पियन बने, ओलंपिक्स में जाएँ और बड़ी बड़ी शीट्स अपने हिंदुस्तान लेकर आएँ। इसी सपने को लेकर हम आगे बढ़ें और एज ए जॉइंट, एज ए कम्बाइंड पूरी जीतो टीम इसमें लगी हुई है। मैं कामना करता हूँ आगे हम सबके सहयोग से बहुत दूर और आगे निकलेंगे। प्लीज़, द वेरी फर्स्ट थिंग इज मैं कहना चाहूँगी थैंक यू वेरी मच टू द जीतो फैमिली, टू द विक्रम भैया एंड टू माई फैमिली ऑल्सो, बिकॉज वर्किंग करना आसान होता है अनलेस और अनटिल आपकी पूरी फैमिली या सबका सपोर्ट ना हो। तो थैंक यू वेरी मच। एंड हमारा एक ही मोटिव था जो हमें बोला गया था कि लाइक स्पोर्ट्स इज विदाउट नॉट कम्प्लीट विदाउट एंटरटेनमेंट एंड ग्लैमर। तो ग्लैमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली लेडीज़ पर ही हमेशा डाली जाती है एंड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सके। तो दैट वॉज ओनली द थॉट प्रोसेस कि हमें साथ में तो चलना ही है विक्रम भैया एंड जीतो फैमिली के साथ, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वी गॉट एंड वी कैप्चर्ड इट। थैंक यू। एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड नाउ? या नहीं नहीं नहीं, वी आर टोटली सॉर्ट आउट। वी हैव अ प्रैक्टिस टुडे, ऑल माय टीम पार्टनर्स इवन मैनेजर्स दे आर कमिंग, वी ऑल हैव अ प्रैक्टिस एंड आई क्रॉस माय फिंगर्स वी विल रॉक टुमारो। स्पॉन्सर्ड आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्रिकेट टीम भी है आपकी कहीं ना कहीं, तो इस वक्त यहाँ आके पूरी फैमिली के साथ एंड यू नो समवेयर कि आपकी वाइफ भी इन्वॉल्व है बहुत बड़े लेवल पे, तो कैसा फील हो रहा है? रियली वी आर फीलिंग वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो ऑनर्ड ऑल्सो कि जीतो फैमिली ने हमें ये चांस दिया और हम इसको प्रॉपरली फ्रूटफुली कर पाए और मैं पर्सनली उम्मीद करता हूँ कि मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सब इसमें प्रॉपरली सपोर्ट करें और दे जस्टिफाइड फॉर्म में प्रूव्ड हो इन फ्यूचर ऑल्सो। उनके लिए फ्यूचर है, हमारे लिए प्रेजेंट है, तो इसी होप से हम आगे बढ़ते हैं, उनको भी एक नया विज़न देने की कोशिश करते हैं। और भी इस फैमिली में बहुत बच्चे हैं जो इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो हमारी यही होप है एज ए पेरेंट्स कि ये फ्लरिश करें और अपनी कम्यूनिटी के साथ रहें, हमेशा इनकी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें। थैंक यू वेरी मच।